तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हॉगवर्ट्स लेगेसी के बारे में, जो कि इस साल की पहली कंट्रोवर्शियल गेम है और साथ साथ में बेस्ट गेम भी है, जो कि साल की शुरुआत में रिलीज हुई है। तो हम जानेंगे कि ये गेम क्यों कंट्रोवर्सी में आई है, क्या ये गेम खराब है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे को हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी के बारे में, जो कि हैरी पॉटर वर्ल्ड में सिचुएटेड है बट बिना हैरी पॉटर के। इस गेम को डेवलप किया है एवेलेंच सॉफ्टवेयर ने, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, और पब्लिश किया वार्नर ब्रदर गेम्स ने। अगर आपने हैरी पॉटर की सारी फिल्में देखी होगी तो हर किसी का सपना था कि वो भी हैरी पॉटर की तरह इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे। तो ये गेम इसी चीज पे बेस्ड है, जिसमें हम अपना कैरेक्टर बना के इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये गेम इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों आई, क्यों इस गेम को लोग बायकॉट करना चाहते हैं, बट साथ साथ में इसके रिलीज के 2 हफ्तों के बीच बीच में इसकी 12 मिलियन कॉपी बिक गई थी। इसका कारण है जेके राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की किताब लिखी है जिसपे हैरी पॉटर की फिल्में बेस्ड हैं, उनके ट्रांसफोबिक कमेंट के कारण जो कि वायरल हो गए हैं, जो लोगों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, जिसके कारण लोगों ने इस गेम को बायकॉट करना चाहा, क्योंकि इसके सेल के कारण जेके राउलिंग को प्रॉफिट होगा, इसलिए लोगों ने बायकॉट करना चाहा। कई स्ट्रीमर को उनकी स्ट्रीम में जाके हरासमेंट भी किया था कि स्ट्रीमर इस गेम को खेलना बंद कर सके, बट लगता है इस बॉयकॉट के कारण गेम की सेल और भी ज्यादा बढ़ गई है। बट मेरे हिसाब से गेम काफी ज्यादा अच्छी है, इंडियन स्ट्रीमर ने भी काफी ज्यादा इस गेम को ट्राई किया है और खेला भी, और उनको भी काफी ज्यादा बढ़िया लगा है। अगर किसी को ये गेम अच्छा नहीं लगता है तो वो इस गेम से दूर ही रहेगा, अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो जरूर खेलेगा, पर किसी को हरास करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है इस गेम के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसे भी करेक्ट कर देना कमेंट में। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।